आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। भाई हमारा नाम चंदारी सुमन है, हम बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन इंचार्ज आजमगढ़ हैं और माहौल नगर पंचायत के निवासी। अच्छा, ये जो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से गांव चलो जो अभियान चलाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार जो चलो गांव की ओर अभियान है, इसके तहत बहन जी का आदेश है कि हम गांव के निचले स्तर तक चल जा करके सबसे पहले विधानसभा और सेक्टर और बूथ की कमेटियों की समीक्षा करके उनको रिव्यू करके और चुनौती बनाने का कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हम गांव में सब समाज के लोगों के बीच जा करके बहन जी द्वारा जो 4 वर्ष के शासनकाल में जितने भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों को और उन उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, इससे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी कि नहीं? एकदम होगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत हम उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों का जो भी शासनकाल रहा उनको और बहन जी के शासनकाल के कार्यों की समीक्षा जनता के बीच में दोनों का कंप्रोमाइज करवाते हैं, बताते हैं और यह समझाते हैं या याद दिलाते हैं कि आप लोग को तीनों चारों पार्टियों के शासनकाल के कार्यों की आप लोग तुलना करिए तो उसमें सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी सुविधा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन मायावती द्वारा दी गई थी। तो मुझको यह विश्वास है, हम लोगों को यह विश्वास है कि जनता इस बात को जरूर समझेगी और समझ करके 2024 और 2027 में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके बहन मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का।